अम्मी, देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है? और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। किसी साइज़ और इतनी बड़ी चालान। किसके साथ जमने वाली थी अनिल की जोड़ी? कियारा के अलावा कौन सी हीरोइन हो सकती है मेकर्स की पसंद? कौन करेगा फिल्म के एक्शन को डिजाइन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्प्रीहा और मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं आपके लिए खबर लेकर आई हूँ बेटा टू के बारे में। कहते हैं मुझको हवा हवाई। नहीं दोस्तों, चौके मत, मैं आपको ये गाना नहीं सुना रही हूँ। अब गाना किस बॉलीवुड की किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये तो आप बखूबी समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये गाना है श्रीदेवी जी का। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म बेटा से श्रीदेवी का भला क्या लेना देना। तो दोस्तों बस थोड़ा सब्र रखिए, कुछ ही देर में इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा। साल 1992 में आई फिल्म बेटा एक बार फिर बनने को बिल्कुल तैयार है। और जब किसी आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल बनता है तो फिल्म से जुड़ी कई सारी बातें निकल कर आती हैं। अगर आपने फिल्म बेटा देखी होगी तो आपको फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी जैसे सितारे नजर आए होंगे। पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद माधुरी नहीं थी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। फिल्म में एक तेज तरार लड़की का किरदार पहले माधुरी को नहीं मिलना था। इस कैरेक्टर के लिए मेकर्स की पहली पसंद बी टाउन की हवा हवाई गर्ल श्रीदेवी थी। जब मेकर्स ने श्रीदेवी को बेटा की कहानी सुनाई थी तो उन्हें ये कहानी काफी पसंद आई थी, पर फिल्म में अनिल कपूर का नाम सुनते ही उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। इस फिल्म को ना करने के पीछे दो कारण थे। पहला, वो अपनी पहले पेंडिंग फिल्मों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। और दूसरा ये कारण था कि इससे पहले भी श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ कई सारी फिल्में कर रखी थी और श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि वो एक ही जैसे बहुत सारी फिल्में अनिल के साथ करे। गौर करें 1992 के पहले अनिल और श्रीदेवी के फिल्मों पर तो दोनों ने साथ में मिस्टर इंडिया, राम अवतार, जानबाज, जोशी ले, सोने पे सुहागा जैसी फिल्में कर रखी हैं। पर खास बात तो ये कि इसके बाद भी अनिल और श्रीदेवी ने एक साथ कई सारी फिल्में की। साल 1993 की गुरुदेव और रूप की रानी, चोरों का राजा, साल 1997 की जुदाई, साल 1994 की लाडला और साल 1996 की मिस्टर बेचारा जैसी फिल्में इस बात को सही साबित करते हैं। दोस्तों फिल्म बेटा के 30 साल पूरे होने के बाद मेकर्स ने सीक्वल पर काम करना शुरू कर दिया है और वो जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ की माँ का किरदार मुसीबत बना पड़ा है। अब लगता है फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा भी मेकर्स की इस मुसीबत को बढ़ाने वाली है। दरअसल फिल्म भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो की शानदार सफलता के बाद कियारा की डिमांड काफी हाई हो गई है। इसके साथ ही वो अपनी पहली साइन प्रोजेक्ट्स को खत्म करने में काफी बिजी हैं, जिसके चलते फिल्म के सीक्वल में दूसरी हीरोइन की एंट्री हो सकती है। और सोर्सेस की माने तो ये दूसरी हीरोइन और कोई नहीं बल्कि कृति सैनन होंगी। वेल दोस्तों, कृति सैनन को टाइगर के साथ कई फिल्मों में देखा जा चुका है। दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद भी किया है। अब फिल्म में कियारा बनी रहती है या कृति उन्हें रिप्लेस कर देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जिस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हो वो फिल्म में एक्शन सीन्स कैसे नहीं होंगे। फिल्मों में टाइगर की एक्शंस और डांस हमेशा अलग पहचान बनाती है और अब फिल्म बेटा 2 में भी टाइगर फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि फिल्म के सीन्स कौन डिजाइन करेगा। बीटाउन की उड़ती खबर माने तो फिल्म के मेकर्स ने एक्शन सीन्स के लिए डायरेक्टर रोहित शेट्टी से कॉन्टैक्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रोहित शेट्टी अपने फिल्मों को डायरेक्ट करने के साथ एक्शन सीन्स को भी डिजाइन करते हैं और ये क्वालिटी उन्हें अपने पापा एमबी शेट्टी से मिली है। एमबी शेट्टी बॉलीवुड के टॉप एक्शन कोरियोग्राफर रही हैं और रोहित शेट्टी के एक्शन को तो आप उनकी फिल्मों में देख ही चुके हैं। क्या रोहित करेंगे फिल्म बेटा 2 के एक्शन सीन्स को डिजाइन? कैसे होंगे फिल्म के एक्शन सीन्स? फिल्म से जुड़ी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो यही खत्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। तब तक के लिए अलविदा।